दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी रेलवे ने एएलपी टेक्नीशियन का आंसर की आज रिलीज कर दिया गया है, जो एग्जामिनेशन 4 सितंबर को कंप्लीट हुआ था। तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताएंगे कि आप अपने रिजल्ट को कैसे चेक करें, और आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, मीन्स आप कोई क्वेश्चन आपका गलत कर दिया गया हो रेलवे द्वारा, उस रेलवे को में आप कैसे कंप्लेन करें, ऑब्जेक्शन किस क्वेश्चन पे कैसे करें, तो आपको कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले, हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, न्यूज है क्या तो देखते हैं। आरआरबी की वेबसाइट पर सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन भर्ती 2018 की उत्तर कुंजी जारी हो गई है। सुबह 9 बजे तमाम आरआरबी के वेबसाइट पर 9 अगस्त से 4 सितंबर के बीच विभिन्न चरणों में हुई सीबीटी एग्जाम की उत्तर कुंजी जारी हो गई है। उम्मीदवार किसी भी प्रश्न के उत्तर व विकल्प को लेकर 18 सितंबर 11:55 बजे तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। मतलब कोई भी आपको क्वेश्चन में आपको लगता है कि ये क्वेश्चन सही होना चाहिए बट रेलवे ने गलत क्वेश्चन कर दिया है, तो आप वहां पे जाके आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे कैसे आपत्ति दर्ज कराएँ, कैसे ऑब्जेक्शन फिल फॉर्म करें ताकि उस नंबर पर नंबर मिल जाए, क्योंकि एक एक नंबर आपको कटअप क्लियर करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो सबसे पहले आप जो भी वेबसाइट रेलवे से आप फॉर्म को अप्लाई किए हैं वहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो देखें कि ऑब्जेक्शन फॉर ट्रैकर फॉर फर्स्ट स्टेज सीबीटी एग्जामिनेशन। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपना जो यूजर आईडी पासवर्ड है वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप एंट्री करें। उसके बाद लॉगिन में आपको आंसर शीट दिया जाएगा, आप एक एक क्वेश्चन को वन बाय वन रिव्यू करें। जो भी क्वेश्चन आपको लगता है सही है, जो भी क्वेश्चन लगता है कि नहीं ये सही गलत हो गया है बट सही होना चाहिए, उस क्वेश्चन को जाके आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन आपको सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं, और इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपका कटअप क्लियर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो में बस इतना ही। यदि आप ग्रुप डी का अभी भी तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किए हैं जो कि 17 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, उसके रिलेटेड में कुछ वीडियो अपने पांडे गुरुजी चैनल पे अपलोड किया हूँ जीएसएन जीके का, तो उस वीडियो को जाके देखें और एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन जारी रखें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।